हेलो फ्रेंड्स, सुबह वक्त सावित्री पूजा के लिए तैयार हो चुकी हूँ। अभी सारा पूजा का पेड़ वगैरह लगाने बाकी है, फल वगैरह वॉश करूँगी, मैं स्टार्ट करूँगी पूजा। मेरा ये लुक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी तो स्टार्ट करूँगी पूजा, तो बनी रहिए ब्लॉग में तब तक। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने स्टार्ट कर दी थी पूजा, अगरबत्ती को जला लिया था और बरगद के पेड़ की अब मैं पूजा स्टार्ट कर चुकी थी। और यहाँ पे इस तरीके से हमारे यहाँ सजाया जाता है पूरा पेड़ को। मैंने एक गमले में लगा दिया था और फूल भी चढ़ा दिया था भगवान को, और फ्रूट्स वगैरह भी चढ़ा दिए थे मतलब। और अभी धीरे धीरे आप देखते जाइए कैसे कैसे हम लोग यहाँ पूजा करते हैं। और यहाँ पे देखिए, अब मैंने आरती स्टार्ट कर दी थी करना बरगद की, और धीरे धीरे यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पूरा विधि विधान से पूजा की जाती है इसकी। ये सुहागिन के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है, बहुत बड़ा फास्ट होता है। जब तक हम पूजा करते हैं तब तक हम कुछ भी खाते और पीते नहीं हैं, और ना ही पानी पीते हैं, निर्जला फास्ट रखते हैं। इस तरीके से आरती को मैंने आगे रख दिया था। हमारे यहाँ वट सावित्री की पूजा बहुत ही मतलब अच्छी, बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो भी सुहागिन होती है वह पति के लंबी उम्र के लिए रखती है। एक दिया जो है वो मैं भगवान के पास डालने के लिए जा रही थी। यहाँ पे कृष्ण आ गया था, कृष्ण बहुत रो रहा था क्योंकि सुबह उसे भूख लग गई थी। और अब मैं जा रही हूँ भगवान के पास, क्योंकि हम जब भी पूजा करते हैं तो एक दिया भगवान के पास भी ज़रूर जलाते हैं, घर में भी पूजा करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ आ गई थी मंदिर के पास और मैंने यहाँ पे दिया रख दिया था। ये जय श्री कृष्ण बिहान ने बनाया था, आप मेरे पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं। ये देखिए, तो मैंने भगवान की पूजा कर ली थी। यहाँ पे भगवान से को हाथ जोड़ के देन मैं दोबारा से पूजा पे बैठ गई थी। ये बरगद के पेड़ में क्या है, हम लोग सब कुछ जैसे हमारा लड्डू हो गया, कटे हुए फल्स मैंने रखे थे, आम और आम मिठाई और नाशपाती वगैरह सब कुछ कट करके फिर ऐसे। पहले तो मैं तुलसी माता जी के पास भी जा रही थी, क्योंकि तुलसी भगवान को भी हम लोग चढ़ाते हैं सब चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तुलसी माता है हमारी, सूख गई थी हमारी तुलसी, हम 4-5 दिन से यहाँ पे थे नहीं तो इस वजह से। और हम लोग अपने बालों में भी पत्ता लगाते हैं बर का। और यहाँ पे फिर मैंने फिर से बैठ गई हूँ पूजा पे। यहाँ पे कृष्ण आ गया था प्लेट में, उसके पापा ने फ्रूट्स के लिए वो बोल रहा था तो उसको अलग से उसको काट के दिया था। यहाँ पे अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ पूजा। पहले हम पत्ते को इस तरीके से भगवान को भी चढ़ाते हैं वट को, और पीछे भी इस तरीके से फेंकते जाते हैं। तो अब मैं धागा बांध रही हूँ भगवान जी को, इसको खोल रही हूँ, ये खुल नहीं रहा था, खुल गया था तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको बांधने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे बांधना स्टार्ट कर दिया है मैंने। इसको 5 बार घुमाना होता है धागे को। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने एक बार लगा दिया जिसे खुले ना। अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं, इनको भी बुला रही थी मैं कि आइए, तो मैं स्टार्ट कर दिया था मैंने इस तरीके से गोल घुमाना। हम 5 बार गोल चक्कर करेंगे। तो एक राउंड मैंने ले लिया था, थोड़ा फंस रहा था ये भी आ गए थे।
कि मेरा बेटा विहान ले रहा था वीडियो, तो उसने इस तरीके से ही लिया थोड़ा फेस को। फिर मैंने बोला थोड़ा फेस भी दिखाना मेरा, कहीं कहीं उसने फेस को कट ही कर दिया पूरा। तो मेरे हस्बैंड भी फोटो ले रहे थे। अब मैं स्टार्ट करी थी गोल घूमना, तो इस तरीके से पूरा 5 times घूमी थी मैं चक्कर। और धागे के साथ धागे को बांधना भी होता है, ऐसे ही पूजा होती है हमारे यहाँ। और जब तक ये पूजा ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हमारे यहाँ पानी भी नहीं पीते हैं। बहुत ही सुहागिन के लिए बहुत बड़ा, हमारे बिहार की तरफ ये बहुत बड़ा पर्व होता है, बहुत अच्छा, इसको बहुत मान्यता होती है। और मैंने इसको बांध दिया है इस तरीके से बरगद के पेड़ में। अब मैं दोबारा से बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए, प्रणाम कर लिया भगवान को। मैं सिंदूर लगा रही हूँ, खुद को भी लगाया, भगवान से भी लगाती हूँ। मैं दोबारा से बैठ गई हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने ये जो था इस पंखे पे मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह रख दिए, चना और आम वगैरह जो होते हैं यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं, इस सबको कर दिया। अब मैं टीका कर रही हूँ पेड़ को, टीका कर यहाँ पे 5 बार सारे पत्तों से टीका किया जाता है, तो मैंने 5 times सारे पत्तों पे कर दिया है टीका। तो अब मैं आरती दोबारा से कर रही हूँ। घर मेरा वीडियो ले रहा था, मुझे लगा तो फिर मैंने दोबारा से पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। तरीके से आरती घुमा रही हूँ। अभी मैं जल चढ़ा रही हूँ, और ये आम भी चढ़ा दिया है। फूल भी दे दिया सबको कि चढ़ा देने के लिए, तो सबने बारी बारी से फूल चढ़ाया। विहान को भी फिर मैंने बुलाया कि विहान आप भी चढ़ा दो। फिर मैं पंखा से ऐसे बरगद को कर रही हूँ और इनको भी फिर मैंने किया। बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइम पूजा करना। हस्बैंड भी हंस रहे थे, फिर मैंने इनको प्रणाम किया और मैंने फिर वट सावित्री का पूजा संपन्न हुआ हमारा। तो अब मैं शरबत बना के पीऊँगी, अभी तो फाइनली पूजा करने में बहुत टाइम लग गया। कितना अच्छा से सजाया था मैंने, पूजा करने में थोड़ा सा हो ही जाता है, टाइम लग ही जाता है सुबह से आज उठे। और यहाँ पे मेहंदी भी लगाई, आप लोगों को दिखाती हूँ। हस्बैंड ने 500 rupees दिए, ये देखिए मेहंदी लगाई, रात को ही लगाई थी, आप लोगों को दिखाती हूँ। पसीने से
लथपथ हो गए क्योंकि सुबह सुबह गर्मी भी बहुत है और अभी काम करते वक्त में लग ही जाता है टाइम। तो आप लोगों ने पूजा की कि नहीं, जो भी बिहार के लोग करते हैं कि नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।